हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है यूजर टोपोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर देखेंगे कि जो हम इसको बोल रहे हैं, जो डेफिनेशन है, जो हमने यहाँ पे कलेक्शन लिया है, सबसेट्स का जो कलेक्शन लिया है, क्या वो टोपोलॉजी बनता भी है कि नहीं बनता। क्लियर? तो यूजुअल, अब देखो यहाँ पे यू लिखा हुआ है, स्मॉल यू, तो मतलब हम यूजुअल टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम कलेक्शन लेते थे टाओ, ठीक है, इस तरीके से मैंने बताया था टाओ कलेक्शन लेते थे, तो यहाँ पे टाओ की जगह इन्होंने लिया हुआ है यू, जिसको हम बोलेंगे यूजुअल टोपोलॉजी। क्लियर? तो यहाँ पे यू कंसिस्ट करता है ऑफ फाइव, फाइव मीन्स एम्प्टी सेट। क्लियर? कि यू जो है वो कंसिस्ट कर रहा है एम्प्टी सेट को, और ऑल दो सबसेट जी ऑफ आर, आर के उन सबसेट्स को वो कंसिस्ट कर रहा है, हैविंग द प्रॉपर्टी डेट, जिनके पास ये वाली प्रॉपर्टी है। समझ आया? कि यू जो है, जो हम कलेक्शन ले रहे हैं, वो एक तो कंसिस्ट कर रहा है एम्प्टी सेट को। क्लियर? और उन आर के उन सभी सबसेट्स को जो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, जिन सेटिस्फाई कर रहे हैं, या जिनके पास ये वाली प्रॉपर्टी है, जिन जिन सबसेट्स के पास ये प्रॉपर्टी होगी वो यू में जाएगा। क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है, ये है क्या। क्लियर? तो देखो, टू ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स, जो कि उस सबसेट से जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, आर का वो सबसेट, वो बिलोंग कर रहा है जी से, तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव, और एप्सिलॉन हमारे पास क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो हम एक एप्सिलॉन पॉजिटिव लेंगे। किस तरीके से लेंगे, कि इस एक्स का और इस एप्सिलॉन से हम की हेल्प से एक ओपन इंटरवल बनाएंगे, जो कि जी में क्या हो जाए, कंटेन हो जाए। अगर कोई भी सबसेट आर का इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसके पास ये वाली प्रॉपर्टी होगी, तो वो यू के अंदर जाएगा। अब देखो, जब हम यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना, कि यहाँ पे पहले हम क्या था, एक्स, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसके ऊपर हम ये बात करते थे। क्लियर? नॉन एम्प्टी सेट एक्स के लिए ही तो बात करते थे। अब यहाँ पे जो एक्स है, एक्स को यूजुअल टोपोलॉजी में रिप्लेस कर दिया आर से, आर मीन्स रियल नंबर का जो सेट होता है उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? तो अब देखो, हमारे पास रियल नंबर की बात आ रही, तो रियल नंबर लाइन जब हम बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, हमने बनाई, अब इसी रियल नंबर लाइन पे, अब देखो ये जो सबसेट मैं ले रही हूँ, टू ईच का मतलब समझ आ रहा है बेटा, टू ईच मतलब जो जो सबसेट्स की बात करें, अगर मैं जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर, जी फाइव, तो वो सभी सबसेट्स सबके लिए अलग, कि एक्स बिलोंग्स टू जी वन, तो एक एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो एक ओपन इंटरवल बनाएगा, वो भी जी वन में कंटेन हो जाए, तो हर एक के लिए बात हो रही है। क्लियर? ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर के लिए बात हो रही है, कि एक्स के वो आर के वही सबसेट्स जाएंगे यू के अंदर, जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है जी से, पर जी मैं कहाँ से ले रही हूँ, आर से ही तो ले रही हूँ, तो मतलब एक्स भी मेरे पास रियल नंबर से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रियल नंबर लाइन पे मैंने कोई एक्स एलिमेंट ले लिया, मेंबर ले लिया कोई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एप्सिलॉन पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा, किस तरीके से, कि वो एक ओपन इंटरवल बना रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ की कोई ये एप्सिलॉन चला होगा, तो एक्स प्लस के एप्सिलॉन हो गया। क्लियर? जो ये पीछे चला होगा यहाँ पे, तो एक्स माइनस के एप्सिलॉन हो गया, तो मेरे पास जो ओपन इंटरवल बना वो ये बना ना। क्लियर? समझ आया बेटा? ये x बिलोंग कर रहा है मेरे पास g से, ठीक है, तो मैंने जो ये ओपन इंटरवल बनाया, ठीक है, एप्सिलॉन यहाँ पे एक पॉजिटिव ऐसा एग्जिस्ट किया, कि मैंने जो ये ओपन इंटरवल बनाया x माइनस x एप्सिलॉन और x प्लस के एप्सिलॉन, ये क्या कर जाए, g में कंटेन, तो जो ये ओपन इंटरवल बना रहे हैं ना, ये g के अंदर कंटेन कर जाए, जी के अंदर हो, जो भी हम सबसेट ले रहे हैं,
ठीक है, उसका कोई एक मेंबर उठाओ, जैसे हमने यहाँ पे लिया एक्स, ठीक है, और उसका एक हम यहाँ पे ओपन इंटरवल बनाएंगे पॉजिटिव एफ साइलन के लिए। अगर वो ओपन इंटरवल भी उसके अंदर कंटेन हो जाए तो वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा, वो यू के अंदर चला जाएगा। क्लियर? अब देखो मैंने यहाँ पे ये दिखाने के लिए आपको बड़ा बनाया है, एफ साइलेंट बहुत ज़्यादा स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो वो नियर बाय इस तरीके से होती है, पर ये चीज़ तो आपको इतना दिखाई नहीं देगा, मतलब छोटे से छोटा, स्मॉल से स्मॉल, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ इमेजिन करने के लिए बताया है कि जैसे कि हम इमेजिन कर सकें कि इस तरीके से ओपन इंटरवल बनेगा। अब एक चीज़ और नोटिस करना कि जो ये ओपन इंटरवल मैंने लिया है ये रियल नंबर की लाइन है, क्लियर, और इसी पे मैंने ये ओपन इंटरवल लिया है तो ये भी तो रियल नंबर के ही अंदर जाएगा, क्लियर, अलग तो नहीं रहेगा, क्योंकि जो ये वाला पोर्शन आया है ओपन इंटरवल, ये वाला जो पोर्शन आया ये रियल लाइन का ही तो पार्ट है, तो रियल लाइन के ही तो अंदर कंटेन होगा। क्लियर इतना? अब देखो ये डेफिनेशन हमारे पास क्लियर होगी कि अगर यू कंसिस्ट कर रहा है एम्प्टी सेट को और R की उन्हीं सब उन सब सबसेट्स को, उन सभी सबसेट्स को जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, तो U जो हमने कलेक्शन लिया है वो टोपोलॉजी बन जाएगा फॉर R के लिए, और इसी टोपोलॉजी को हम बोलते हैं यूजुअल टोपोलॉजी। क्लियर? ये थोड़ा थियोरेटिकल डेफिनेशन दी हुई थी, इस तरीके से दूसरी लैंग्वेज में हम कैसे कह सकते हैं, इस तरीके से बात सेम दोनों की, दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसमें क्या है U, हमने उन सभी सबसेट्स का कलेक्शन लिया है, सबसे पहले तो एम्प्टी उससे कंसिस्ट बिलोंग करना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जैसे एम्प्टी अगर उसके अंदर नहीं होगा ना, एम्प्टी अगर उसके अंदर नहीं हुआ तो वो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, वो टोपोलॉजी नहीं बनेगा, तो हम तो यूजुअल टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो ऑलरेडी उसमें एम्प्टी होगा, तो एक तो वो एम्प्टी को कंसिस्ट करना चाहिए, बिलोंग करनी चाहिए, देन आर के वो सबसेट होने चाहिए, आर के वो सबसेट आएंगे जो एक्स को बिलोंग कर रहे हो, और वहाँ पे एक एप्सिलॉन पॉजिटिव इस तरीके से एग्जिस्ट करे कि अगर मैं एक ओपन इंटरवल बनाऊँ उनकी हेल्प से तो वो कंटेन हो जाए जी में, उस सबसेट के अंदर कंटेन हो जाए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। क्लियर? अब हम इसके प्रूफ पर चलते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ये कलेक्शन मैंने लिया है आर के सबसेट्स का, क्या ये टोपोलॉजी है आर पे या नहीं है। तो टोपोलॉजी होने के लिए इनको तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन में क्या होता है कि जैसे हम एक्स पे बात कर रहे हैं और टॉम मैंने कलेक्शन ले लिया, क्लियर, तो फाई एम्प्टी सेट और एक्स जो ये हम जिस पर बना रहे हैं ये दोनों के दोनों टाओ से बिलोंग करने चाहिए, पहली कंडीशन होती है हमारे पास ये। अब देखो इस एक्स की जगह तो आर है ना और टाओ की जगह यू है, तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि एम्प्टी और आर बिलोंग करे यू से। क्लियर? अब यहां से देखते आगे, ये चीज तो हमें गिवन है, एम्प्टी तो ऑलरेडी हम लेके चल रहे हैं ना कि वो मतलब यू कंसिस्ट कर रहा है एम्प्टी सेट को, ठीक है, कि एम्प्टी उसके अंदर है, तो ये चीज तो मुझे गिवन है। अब मैंने यहाँ पे, अब ये तो इस डेफिनेशन से आ गया, अब जो नेक्स्ट हम लेंगे आर वो आएगा इस डेफिनेशन से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी है, मतलब या तो वो एम्प्टी होगा, एम्प्टी है तो वो ऑलरेडी यू में है, या वो ये वाली प्रॉपर्टी, या नहीं मतलब एंड ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों में से एक ना एक तो वो होगा, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन तो मेरे पास एम्प्टी वाला आ गया, अब मुझे यू लेके आना है, वो सॉरी आर लेके आना है यू में, ठीक है, पर आर यू में कब जाएगा, जब मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? अब देखो हर सबसेट अपना एक दूसरे, मतलब खुद सबसेट जो होता है, जैसे ए है वो खुद में ही कंटेन होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, तो इसका मतलब आर कंटेन होगा आर में, तो आर का ही एक सबसेट ले लिया मैंने, आर मतलब रियल नंबर ही ले लिया, क्योंकि मुझे रियल को ही यू में लेके जाना है।
क्लियर, रियल को ही यू में लेके जाना, तो मैंने ले लिया रियल। अब रियल इसका सबसेट है, क्योंकि हर सबसेट खुद का, मतलब जो सेट होता है खुद का सबसेट होता है, ठीक है, क्लियर। अब रियल इसके अंदर पर कब जाएगा, ये यू के अंदर कब जाएगा, यू के अंदर तब जाएगा जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्लियर। अब देखो मैं यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है R से, मैंने ले लिया x बिलोंग कर रहा है R से, तो मैं यहाँ पे या तो ये वाली डेफिनेशन लिख दूँ या ये, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह ले लिया इन्होंने 1, क्लियर। तो ये चीज़ बोली है जो मैंने आपको अभी समझाई थी, यहाँ से जी ये हटाओ। अब देखो पहले मैं एप्सिलॉन के लिए बता देती हूँ, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे टू ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, मैंने माना कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, ये रियल नंबर लाइन ही है, एक्स बिलोंग कर रहा है आर से। एक एप्सिलॉन मैंने पॉजिटिव इस तरीके से लिया कि ये ओपन इंटरवल बनाया। अब ये ओपन इंटरवल भी तो मेरा आर के ही अंदर कंटेन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बेटा, करेगा ना, ठीक है। ये रियल लाइन है, बहुत इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है, उसमें से एक मैंने एक्स चूज किया, उसका ओपन इंटरवल बनाया, तो स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी होती है, छोटा सा ओपन इंटरवल बनेगा, तो ये ओपन इंटरवल भी तो रियल लाइन पे है, तो ये इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा। अब मेरे पास लिंक करो यहाँ से टू ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स बिलोंग जी की जगह क्या आएगा, आर, जिसको हम लाना चाहते हैं। देयर एग्जिस्ट एक एप्सिलॉन यहाँ पे आएगा सच डैट कि दिस सबसेट टू आर। अब यहाँ पे जी था तो जी की जगह क्या आया मेरे पास, आर, तो इसका मतलब आर ने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, और आर सबसेट है आर का, तो मतलब आर चला जाएगा यू में, तो ये लिखा हुआ आर बिलोंग्स टू यू, क्यों लिखा हुआ समझ आ गया बेटा। अब देन सेकंड जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ एप्सिलॉन की जगह यहाँ पे वन कर दिया, तो ये तब भी तो पॉसिबल है, क्यों, देखो यहाँ पे टू ईच एक्स, ये एक्स बिलोंग कर रहा है आर से, और इसमें मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू वन लेके इधर से ये एक ओपन इंटरवल बना दी, ये तब भी तो आर का ही सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या हो गया कि आर ने ये वाली पूरी की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, इसका मतलब आर किससे बिलोंग कर गया, यू से, तो ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया आर 5 बिलोंग्स टू यू, जो कि गिवन था बाय दिस प्रॉपर्टी, हमने लिख दिया आर बिलोंग्स टू यू, तो हमें यहाँ से मिल गया 5 और आर बिलोंग्स टू यू, और इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई, क्लियर। ये बेटा ध्यान से समझना किस तरीके से, क्योंकि रियल नंबर लाइन जो है ना बहुत बड़ी है, ठीक है, उसमें से हमने एक पॉइंट चूज किया, उसका एक छोटा सा इंटरवल बनाया, ठीक है, बहुत छोटा होगा ये समझाने के लिए, एक छोटा सा ओपन इंटरवल बनाया, तो वो भी तो रियल लाइन का ही सबसेट होगा, तो सिंपल सी चीज है। तो रियल जो हम आर लेके चल रहे हैं रियल नंबर का सेट, उसने ये वाली पूरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, जैसे उसने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी तो वो यू के अंदर क्या हो गया, एंटर, यू से क्या हो गया, बिलोंग कर गया, क्लियर। अब हम चलते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी पे, नाउ T2 प्रॉपर्टी। अब हम ध्यान करते हैं कि T2 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, जब हमारे पास टाउ हमने कोई कलेक्शन लिया तो उसमें से कुछ आर्बिट्री मेंबर्स हम लेते थे, जब आर्बिट्री मेंबर्स हमने लिए तो उनकी जो यूनियन है वो भी बिलोंग करनी चाहिए हमारे पास उस टाउ से, क्लियर। तो ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे कि जो हमारे पास ये यू कलेक्शन है, सबसेट्स का जो कलेक्शन हमने यहाँ पे लिया है, इसमें से हम कुछ आर्बिट्री मेंबर्स का कलेक्शन लेंगे, यू के मेंबर्स का ही आर्बिट्री एक कलेक्शन लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे ना एक जनरली लिखा हुआ है, इसका मतलब है G1, G2, G3, G4, मतलब काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, उनमें से मैंने कुछ मेंबर्स का कलेक्शन ले लिया आर्बिट्री मेंबर्स का, क्लियर। अब ये चीज़ तो मैंने पहला कर लिया, अब मेरा मेन टारगेट क्या है, टारगेट को पहचानो। टारगेट क्या है कि अगर मैंने आर्बिट्री मेंबर्स का कलेक्शन यहाँ पे लिया है
तो इनकी यूनियन भी यू से क्या होनी चाहिए, बिलोंग करनी चाहिए। मुझे इन आर्बिट्री मेंबर के जो कलेक्शन है इनकी यूनियन यू से बिलोंग करानी है। क्लियर? अब यू से बिलोंग करानी है तो ये वाला एम्प्टी वाला पोर्शन तो लगेगा नहीं यहाँ पे, मतलब यू के अंदर उसे जाना है तो उसको ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्लियर? और इस वाले प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले हम लेट करते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू दिस, जिसको हमें उसके अंदर कंटेन कराना है। तो मुझे तो इन आर्बिट्रेरी जो मेंबर्स की जो फैमिली है इसकी यूनियन को कराना है, तो इसकी यूनियन से मैंने ले लिया जी की जगह। अब ये पूरा पोर्शन है एक्स बिलोंग्स टू दिस, ये मैं लेके चली। क्लियर? अब इसी की हेल्प से हम यहाँ पे यूनियन लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे वो देखते हैं। अब यहाँ से एक्स बिलोंग कर रहा है इस यूनियन से। अब इस लाइन पे जाने से पहले मैं एक एग्जांपल बताती हूँ जो कि हम छोटे क्लासेस में अपना करके आए हैं। जैसे मेरे पास ये कुछ सबसेट्स हैं, ठीक है, ये फोर सबसेट्स ले लिए। अब मैं अब इनकी यूनियन करके देखती हूँ। यूनियन जैसे मैंने की सबकी, तो मेरे पास वन टू, वन ऑलरेडी है, अब आएगा थ्री और यहाँ पे आएगा फाइव। वन टू, वन ऑलरेडी है तो यहाँ से थ्री आएगा, और थ्री यहाँ पे है तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका, तो यहाँ से फाइव, ये मेरे पास यूनियन आ गई। अब वन टू थ्री फाइव, यहाँ पे ये यूनियन है, ठीक है। और मैं यहाँ से मुझे क्लियर दिख रहा है कि वन बिलोंग्स टू दिस यूनियन, तो इसकी जगह तो मेरे पास है ये वाला पोर्शन और एक्स की जगह यहाँ पे है वन, ठीक है। अब वन बिलोंग कर रहा है इस पूरे इससे, तो वन इसमें बिलोंग कर रहा है, तो जो हमने इसकी यूनियन ली होगी तो इसमें किसी ना किसी सेट में तो वो होगा वन, तभी तो पॉसिबल है। अब देखो, तो वन इसमें था मेरे पास, इसमें था, किसी एक में भी होगा तब भी वो इसमें एंटर कर जाएगा। क्लियर? बाय चांस हम यहाँ पे ना ले वन, हम यहाँ पे टू ले लें। क्लियर? और हम वन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर वन इसकी यूनियन में आया है तो इसका मतलब कि जिन सबसेट्स की हमने यहाँ पे यूनियन की है उनमें से किसी ना किसी में तो एक में ए वन होगा। क्लियर? तो अब इसी चीज से इसको देखते हैं कि अगर x इसकी यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो किसी एक सम कुछ लैम्डा के लिए तो x g लैम्डा से बिलोंग करेगा, क्योंकि किसी g लैम्डा मतलब वो g लैम्डा g1 भी हो सकता है, g2 भी हो सकता है, g3 भी हो सकता है, कि कुछ लैम्डा के लिए x बिलोंग करेगा g लैम्डा से। अगर ये चीज होगा तभी तो वो उसकी यूनियन में जा पाएगा ना। यहां से देखो, वन अगर इसकी यूनियन में, इन सभी सेट्स की यूनियन में वन बिलोंग कर रहा है तो इनमें से कोई ना कोई सेट तो ऐसा होगा जिसमें वन होगा, तो है। तो वही चीज यहाँ पे बोली है कि अगर ये यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो कोई ना कोई तो यहाँ पे सबसेट होगा, कोई ना कोई तो हमें मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा कि जो इससे बिलोंग करेगा एक्स। क्लियर? तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो x अगर इसकी यूनियन में है तो हमें कोई ना कुछ फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू दिस और x बिलोंग्स टू g लैम्डा, ये इंडेक्स को शो कर देते हैं कि जैसे हम जनरली अगर करें, ऐसा नहीं है कि हम g1 g2 g3 इस तरीके से माने, इन्होंने इंडेक्स शो कर दिया कि लैम्डा और लैम्डा बिलोंग कर रहा है इस वाले कैपिटल लैम्डा से, ठीक है। और यहाँ से हम कलेक्शन ले रहे हैं कि अगर n है तो उसमें से g1 g2 g3 g4 उस तरीके से। क्लियर? ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ तक का हमारे पास काम हो गया। अब देखो, ये जो जी लैम्डा थे ये किसके मेंबर्स थे, यू के, मतलब जी लैम्डा किससे बिलोंग कर रहे हैं, यू से, यू के अंदर है। अगर यू के अंदर है जी लैम्डा तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे बेटा, तभी तो उसके अंदर एंट्री है। उसने ये बोल दिया कि अगर आप ये प्रॉपर्टी आपके पास है तभी आप मेरे अंदर आ सकते हो, अदरवाइज नहीं आ सकते। तो अगर ये इसके अंदर है तो उसके पास ये प्रॉपर्टी तो होगी ना। क्लियर?
एक्स अगर जी लैम्डा बिलोंग कर रहा है यू से और हमने यहाँ पे दिखा दिया कि एक्स बिलोंग्स टू जी लैम्डा, ये चीज मैंने दिखा दी यहाँ से, और ये इसके अंदर से बिलोंग कर रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एफ साइलेंट पॉजिटिव ऐसा आएगा कि अगर मैं ओपन इंटरवल बनाऊं तो वो कंटेन हो जाएगा जी लैम्डा में। यहाँ पे जी की जगह जी लैम्डा है तो यहाँ पे भी जी की जगह जी लैम्डा आएगा। क्लियर? ओके, विद द हेल्प ऑफ हमने जो डेफिनेशन है जो चल रही है, हमने जो कलेक्शन लिया उसी की हेल्प से कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास? अब देखो ये बिलोंग कर रहा है जी लैम्डा से, अगर एक भी मेंबर मतलब जीवन से है, मैंने माना वो जीवन में है, तो जब मैं पूरी यूनियन लूंगी जीवन G2 G3 तो वो उसके यूनियन के अंदर भी तो जाएगा। अगर ये ओपन इंटरवल जी लैम्डा के अंदर कंटेन हो रहा है तो मतलब ये ओपन इंटरवल इनकी यूनियन के अंदर भी जाएगा। क्लियर? जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था कि 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, 3 5 ले लिया, तो जब मैंने उनकी यूनियन बनाई तो अगर मेरे पास 1 बिलोंग कर रहा है इस वाले, 1 बिलोंग कर रहा है इससे, तो 1 उनकी यूनियन में भी तो बिलोंग कर रहा था ना जो मैंने यूनियन बनाई थी। तो वही चीज है कि अगर एक्स ये ओपन इंटरवल इसके अंदर कंटेन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये ओपन इंटरवल इसके अंदर भी, उसकी यूनियन के अंदर भी क्या होगा, कंटेन होगा। क्लियर? ठीक है, अब हमने यहां से नोटिस करो, हम लेके चले दिस, ये वाली एक्स जी की जगह हमने ये वाला पोर्शन लिया हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, हमने एक एप्सिलॉन पॉजिटिव ऐसा एग्जिस्ट करा दिया जिसमें ये ओपन इंटरवल बनाऊं तो वो उसके अंदर कंटेन हो जाए। अब जी की जगह ना बेटा ये पूरा यूनियन वाला पोर्शन है, ठीक है, तो ये एक्स में लेके चली, इस बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, एक एप्सिलॉन पॉजिटिव मैंने ऐसा एग्जिस्ट करा दिया कि ये वाला ओपन इंटरवल जो मैं बनाऊंगी, ये ओपन इंटरवल ये कंटेन हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे जी की जगह ये पूरा का पूरा पोर्शन आ रहा है। अगर कोई भी सेट, कोई भी सेट अगर ये कलेक्ट जो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, कोई भी सबसेट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो यू में एंट्री हो जाएगी, उसकी यू में एंट्री हो जाएगी या यू से बिलोंग कर जाएगा। क्लियर? तो वही चीज यहाँ पे की गई है, दिस एप्सिलॉन पॉजिटिव और ये वाली कंडीशन यहाँ पे, तो इसका मतलब जो ये वाला यहाँ से जी बिलोंग कर रहा था यू से, तो इसका मतलब ये बिलोंग कर जाएगा यू से। और यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर मैं कोई आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेके चलूँ यू के मेंबर्स का तो उनकी यूनियन भी यू से बिलोंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो भी हमारे पास क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड कंडीशन पर। नाउ स्टार्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है वो देखते हैं। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होती है टोपोलॉजी प्रूफ करने के लिए, कि अगर मैं उसके कोई दो मेंबर उठाऊं तो उनके इंटरसेक्शन भी उससे बिलोंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे U हमारे पास कलेक्शन है सबसेट्स का, तो उससे मैंने दो मेंबर उठाए G1 और G2, और मेरा मेन टारगेट है कि G1 दोनों के इंटरसेक्शन, G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग करना चाहिए U से। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जो मैंने G1 G2 U से लिए हैं उनकी इंटरसेक्शन, यहाँ पे दो केस बनेंगे, या तो एम्प्टी हो सकती है या नॉन एम्प्टी। मतलब जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, जब सबसेट्स का जो भी हमारे पास सेट होते हैं, दो सेट हुए अगर उनकी इंटरसेक्शन हम करते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें कॉमन है या नहीं है। अगर बाई चांस उनमें कॉमन कुछ ना हो तो वह एम्प्टी हो सकता है, कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो, दोनों के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन या कोई भी मतलब उनके बीच में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, कॉमन मेंबर नहीं है, तब वह एम्प्टी हो जाएगा। अगर बाय चांस दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हुआ तो नॉन एम्प्टी हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट केस है, अगर उन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, मतलब उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, तब हमारे पास देयर इज नथिंग टू प्रूव। ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे प्रूफ करने के लिए, क्यों? अरे यहाँ पे देखो तो सही, फाई है मतलब एम्प्टी है, एम्प्टी तो ऑलरेडी यू में है ही है। अगर मेरे पास इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रही है और एम्प्टी किससे बिलोंग कर रही है, यू से, तो इसका मतलब क्या है,
ये किसके इक्वल है, इसके, तो यहां से तो ये बिलोंग हो गया ना यू से। तो उन्होंने यही चीज लिखा है कि देयर इज नथिंग टू प्रूव। आप ये भी लिख सकते हो कि देयर इज नथिंग टू प्रूव, या ये भी लिख सकते हो कि अगर उनकी दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी आती है, एम्प्टी बिलोंग्स टू यू, तो मीन्स इनकी इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू यू। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन प्रूफ होगी, जो हमारे पास थर्ड कंडीशन थी इस केस में प्रूफ होगी कि अगर मैं उसके कोई दो मेंबर लेके चलूँ तो उनकी क्या है, इंटरसेक्शन भी उससे बिलोंग करेगी। देन सेकेंड केस पे हम चलते हैं, अगर बाय चांस उन दोनों की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हुई, नॉन एम्प्टी का मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो हमने मान लिया कि एक्स उन दोनों की इंटरसेक्शन में, कि वो इन दोनों के बीच में, मतलब वो इसमें भी है और इसमें भी है। इंटरसेक्शन में किस तरीके से हम करते हैं, कोई ए सेट बी है, ए है बी है, तो ये इंटरसेक्शन होती, मतलब दोनों में हो, ए में भी हो बी में भी हो। ठीक है, वही तो चीज है कि अगर x बिलोंग कर रहा है इनकी इंटरसेक्शन से, अगर x यहाँ पे होगा तो इसका मतलब x इसमें भी होगा, x इसमें भी होगा। तो वही चीज लिखी हुई है कि x बिलोंग्स टू g1 इंटरसेक्शन g2, तो इसका मतलब x होगा g1 में भी। और जो ये एंड आया है बेटा, यहाँ पे दो चीज होती है, एक और एक एंड। और का मतलब होता है कि एक टाइम पे एक कंडीशन होगी, या तो ये इसमें होगा या इसमें होगा। एंड का मतलब है कि इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, वो हो गया मतलब एंड। ठीक है, अब ये और जो यूज होता है वो यूनियन में यूज होता है, और एंड जो होता है वो इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में क्यों होता है, क्योंकि अगर वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तभी वो दोनों में कॉमन होगा। और का मतलब है कि या तो वो इसमें प्रेजेंट हो जाए या इसमें हो जाए, यूनियन में तो वो आ ही जाएगा। क्लियर, तो इंटरसेक्शन के वजह से ही यहां पे लिखा हुआ एंड। बाय चांस यूनियन होता तो और लिखती, कि या तो वो इसमें होगा या इसमें, और। ठीक है, बट अगर एक्स इनकी इंटरसेक्शन में, तो एक्स जी1 में भी होगा और एक्स जी2 में भी होगा। क्लियर, ओके। अब आगे मैंने ये लाइन लिखी है, किस तरीके से लिखी है वो चीज देखो बेटा। G1 बिलोंग कर रहा है U से, और हमने यहाँ पे ये कंडीशन ले आए कि X बिलोंग्स टू G1, G1 U के अंदर है। क्लियर, तो इसका मतलब ये वाली पूरी कंडीशन G1 सेटिस्फाई कर रहा होगा, ओके। और जहां पे मैंने ये चीज मैं ले आई कि X बिलोंग कर रहा है G1 से, ये वाली कंडीशन मैं ले आई, तो इसका मतलब मैं ये चीज लिख सकती हूँ। क्लियर, तो G1 के लिए मैंने लिखा एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच डैट, यहाँ पे सच डैट, कि ये ओपन इंटरवल कंटेन हो जाएगा G1 के अंदर। ये ओपन इंटरवल जो बनेगा वो कंटेन होगा, वहां पे G था तो यहाँ पे आएगा G1, और एप्सिलॉन 1 आएगा एप्सिलॉन की जगह। क्लियर, सिमिलरली G2 बिलोंग कर रहा है U के अंदर, तो इसका मतलब ये पूरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा। और मैंने यहाँ से दिखा दिया कि जो G2 X बिलोंग कर रहा है G2 से, ये मैं ले आई, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो देयर एग्जिस्ट यहाँ पे भी एप्सिलॉन पॉजिटिव सच डैट, कि ये ओपन इंटरवल G2 के अंदर जाएगा, G2 उसको कंटेन कर रहा है। क्लियर, अब यहां तक का काम हमारे पास फिनिश। नेक्स्ट, टेक एप्सिलॉन मिनिमम एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, जो मैंने एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 यहाँ पे लिए हैं ना, हमने उसका मिनिमम एप्सिलॉन ले लिया। ठीक है, और उसी के बेस पे ये सब चीजें लिख दी। अब ये कैसे लिखी वो समझते हैं बेटा, ध्यान से समझना। देखो, मेरे पास एप्सिलॉन 1 है, एप्सिलॉन 2 है, इनमें जो मिनिमम होगा वही हमारे पास उसकी इंटरसेक्शन में जाएगा। कैसे, ये मेरे पास लाइन हुई, रियल लाइन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कोई एक्स है, एक्स तो दोनों में है ना, सिर्फ एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 जो हम जिससे ओपन इंटरवल बना रहे हैं, सिर्फ वो चेंज हुआ। अगर बाय चांस मैं मान लूं कि इन दोनों में मिनिमम एप्सिलॉन है, मिनिमम क्या है,
सेम केस ऐसे ही होगा, आप एप्साइलन टू मानोगे, दोनों में मिनिमम कुछ भी हो सकता है, एप्साइलन वन भी हो सकता है, एप्साइलन टू भी हो सकता है, बट मैं समझाने के लिए मान के चल रही हूँ कि एप्साइलन वन और एप्साइलन टू में एप्साइलन वन छोटा है, स्मॉल है। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स माइनस के एप्साइलन, एक्स प्लस के एप्साइलन वन, ठीक है। अगर एप्साइलन टू इससे बड़ा है तो उसका ओपन इंटरवल कहीं यहाँ पे आएगा, तो ये क्या होगा मेरे पास एप्साइलन टू और यहाँ पे एक्स दिस, ये आ जाएगा बेटा, ये लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू लिख दो, क्लियर। ये चीज आ गई मेरे पास। अब देखो, एक ओपन इंटरवल तो ये बना मेरे पास, ये वाला ओपन इंटरवल किस में कंटेन हो रहा, जीवन में, ठीक है। और ये वाला ओपन इंटरवल, ये वाला किस में कंटेन हो रहा बेटा, जी टू में, क्लियर। अब देखो इंटरसेक्शन में क्या आता है, जो दोनों में कॉमन हो, जी वन में जो ओपन इंटरवल आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, क्लियर बेटा। पर जी टू में कौन सा ओपन इंटरवल आ रहा है, ये पूरा, तो G2 के अंदर ये वाला ओपन इंटरवल भी आ रहा है, क्लियर। G1 के अंदर तो सिर्फ ये है, G2 के अंदर ये पूरा ये भी है, और उसके जब ये हमें पूरा का पूरा लेंगे तो ये भी आ रहा है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सा पोर्शन जाएगा जो कॉमन होगा, G1 में ये है, G2 में ये है, तो G2 में ये भी तो है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में ये वाला पोर्शन जाएगा, क्लियर हो गया। कॉमन चीज आएगी दोनों के इंटरसेक्शन में, तो यहां से मेरे पास आ गया दिस, ये बिलोंग कर गया उन दोनों की इंटरसेक्शन में, ठीक है। दिस कंटेन जीवन, यहां पे मैं लिख देती हूं, ये कंटेन कर रहा है जीवन में, और यहां से दिस कंटेन जी टू में। पर जैसे मैंने अगर एप्साइलन को मिनिमम माना, तो जब मैं देखती हूँ कि ये वाला तो इसमें कंटेन कर रहा है, साथ में जब जी टू वाला लेती हूँ, ये वाला पोर्शन यहाँ से, ये ओपन इंटरवल लेती हूँ मैं, तो उसमें जीवन वाला भी तो पोर्शन, ये वाला ओपन इंटरवल भी तो आ रहा है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में आता है हमारे पास कॉमन, तो कॉमन क्या होगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन मेरे पास कॉमन होगा, तो दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ ये आ रहा है। तो ये कैसे आया, क्योंकि मैंने एप्साइलन वन को माना था मिनिमम, अगर मैं एप्साइलन टू को मिनिमम मानती तो यहाँ पे आता है एप्साइलन टू वाला पोर्शन, क्लियर। इंटरसेक्शन की वजह से ही यहाँ पे मिनिमम वाला पोर्शन लिया गया है, ठीक है बेटा। अब एप्साइलन वन और एप्साइलन टू में जो भी मिनिमम होगा उसको मैंने एप्साइलन मान लिया, तो एप्साइलन मान लिया तो यहाँ पे इसकी जगह एप्साइलन आ जाएगा, दिस इंटरसेक्शन टू, क्लियर। इनमें से कोई सा भी आप मिनिमम मान लो, एप्साइलन वन मान लो, एप्साइलन टू मान लो, वही आएगा, और जो मिनिमम होगा उसको यहाँ पे नेम दे दिया एप्साइलन, क्लियर। तो ये चीज आ गया बेटा, यहाँ से ये चीज समझ आ गई कैसे। अब ये कैसे लिखी हुई है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है, देखो यहाँ से एप्साइलन वन पॉजिटिव, एप्साइलन टू पॉजिटिव, तो बेटा जब ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो इनका मिनिमम भी तो पॉजिटिव होगा, और जब इनका मिनिमम पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि एप्साइलन पॉजिटिव होगा, क्लियर बेटा। ये चीज हो गया। अब देखो यहां से मैं लेके चली दिस, एक्स बिलोंग कर रहा है इससे, जी की जगह यहां पे जी वन इंटरसेक्शन जी टू है, मैंने दिखा दिया कि एक एप्साइलन पॉजिटिव इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि अगर मैं ये ओपन इंटरवल बनाऊं तो वो G1 इंटरसेक्शन G2 के अंदर कंटेन हो जाएगा, यहाँ पे G की जगह G1 इंटरसेक्शन G2, X बिलोंग करा दिया जो हम लेके चले, एक एप्साइलन यहाँ पे मैंने पॉजिटिव दिखा दिया इस तरीके से, तो इस G1 इंटरसेक्शन G2 ने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई की वो किसके अंदर एंट्री कर गया, U के अंदर, तो इसका मतलब G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू
यू। और यही हमारा टारगेट था कि अगर मैं कोई दो मेंबर उस कलेक्शन से लेके चलूं तो उनकी इंटरसेक्शन भी उस कलेक्शन में बिलोंग करनी चाहिए थी। इसमें दो केस थे, एक एम्प्टी वाला जो कि बहुत सिंपल था, देन सेकंड भी सिंपल था, बस थोड़ी सी चीज़ें लॉजिक वाली थी वो सीखनी थी। क्लियर? तो बेटा यहाँ आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, अब देखो एक चीज़ और है नोट यहाँ पे। यहाँ पे बेटा एक चीज कंफ्यूजन नहीं रखनी है अदिति, बेटा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये चीज एक बार मैं बता देती हूँ क्या है। यहाँ पे हमने इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो एप्सिलॉन माना, ठीक है, फिर ये वाली कंडीशन रखी। तो मैंने ये चीज बताई, ये तो मैंने बता दिया पॉजिटिव कैसे आया, ये समझ आ गया। ओके, तो ये कैसा आया वो चीज बताई। देखो बेटा, जब मिनिमम मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि इन दोनों में से जो मिनिमम है छोटा है वो एप्सिलॉन है, आप एप्सिलॉन 2 भी ले सकते हो, रिजल्ट सेम होगा, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे मिनिमम एप्सिलॉन 1 माना तो वो ये वाला ओपन इंटरवल बनेगा, और जब एप्सिलॉन 2 इससे बड़ा होगा तो ये इसके बाहर होगा। तो ये ओपन इंटरवल तो इसके अंदर कंटेन कर रहा है जी1 के, क्लियर, और ये वाला ओपन इंटरवल G2 के अंदर कंटेन कर रहा है। तो हम जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो कॉमन चीज देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन जब हमने देखा तो G1 तो ये, इस ये यहाँ पे ये वाला ओपन इंटरवल तो ये है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक है। तो इस ओपन इंटरवल के अंदर ये वाला ओपन इंटरवल भी आ गया। तो मतलब जब मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन करूंगी तो मेरे पास ये वाला बचेगा। क्लियर? जब यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन की तो मेरे पास ये बचा, और इधर से G1 इंटरसेक्शन G2, तो दोनों की इंटरसेक्शन में मेरे पास ये वाला ओपन इंटरवल आया, ठीक है। तो मिनिमम मैं यहाँ पे एप्सिलॉन मान के चली तो एप्सिलॉन 1 वाला आया। अगर बाय चांस मैं मिनिमम एप्सिलॉन 2 मानू तो मेरे पास यहाँ पे एप्सिलॉन 2 आएगा। क्लियर? तो उस मिनिमम का यहाँ पे नाम दे दिया बेटा एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन नाम दे दिया, तो इसका मतलब ये, तो इसकी प्रॉपर्टी ये वाली यहाँ पे आ गई। क्लियर? और जो ये मेरे पास यूजुअल टोपोलॉजी है, इस यूजुअल टोपोलॉजी को हम स्टैंडर्ड टोपोलॉजी या इक्लूडियन टोपोलॉजी भी बोलते हैं। अगर बाय चांस एग्जाम में यूजुअल टोपोलॉजी लिखा हुआ ना हो, वहाँ पे बोल दिया जाए कि डिफाइन इक्लूडियन टोपोलॉजी, मतलब यूजुअल नहीं है इक्लूडियन बोल दिया, तो आप कंफ्यूज मत होना। इक्लूडियन और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी और यूजुअल टोपोलॉजी ये अलग अलग नेम है बट है एक ही, ठीक है। तो हम यूजुअल टोपोलॉजी को ही स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, इक्लूडियन टोपोलॉजी बोलते हैं 4R के लिए, ठीक है बेटा। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।